First of all, I would love to thank to Mr. Indra Kumar, who has given me the chance to be a part of this franchise. And I found myself very lucky and fortunate also that I could reach people, and they are loving me, they are loving my act. And it's been really great feeling, and experience has been really great, and it has come out in a very, very, very big and grand way. So experience has been really good. I mean, with actors, you mean to say? Yeah. With actors, yeah. In starting, I was a bit confused because, as everybody knows, that it's my starting, it's my debut film. So it has been a bit difficult for me to come here and do act with a 3 stars, Vivek, Ritesh and Aftab. But somehow I managed it, and now I'm here, and today it got released, and everybody's watching it. So I'm saying, just you all people just go and watch it. It's Paisa Vasool, and it's just mind-blowing, fantastic. नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा, बिकॉज बींग एन एक्टर आई हैव अ डिफरेंट शेड्स. मुझे जो डायरेक्टर बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स अ डिमांड ऑफ द कैरेक्टर. सो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ. और एक बार में वन टेक, आई वोंट से 3-4 टेक्स में मैंने वो कर दिया था. आई वॉज कम्फर्टेबल एट ऑल, बट थोड़ा सा नर्वस थी कि कभी मैं आफ्ताब के साथ कर रही हूँ, कभी उनको हाथ ना लग जाए या फिर वो गुस्सा ना हो जाए. इस तरीके से मैं थोड़ा सा नर्वस थी, बट समहाउ आई जस्ट मैनेज्ड इट. सो चैलेंजिंग मेरे लिए रहा था जब हम वाकानेर में शूटिंग कर रहे थे, कि तीनों के साथ मेरे सीन्स थे, और एज इट्स माय फर्स्ट मूवी, तीनों के साथ एकदम से मैं अकेली और उनके साथ सीन करना, थोड़ा सा वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. बट उसके बाद मुझे इंद्र जी ने समझाया, एंड फिर मैंने उसके बाद कर दिया. तो बॉलीवुड आप किनसे ज़्यादा इंस्पायर है, मतलब ऐसा कोई एक्टर या फिर? यस, बॉलीवुड में मेरी जो आइडल है वो है प्रियंका चोपड़ा. तो उससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं. और एक्टर में? एक्टर में एवरीबडी, एवरी खान्स एंड ऋतिक रोशन, एवरी वन. पर्टिकुलर सलमान खान. ओके, आप साउथ में भी काम कर चुकी है और बॉलीवुड में आपका डेब्यू है, कहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? मुझे सबसे अच्छा लग रहा है बॉलीवुड में, बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट. तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और मुझे यहीं से स्टार्ट करना है. आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर सबसे पहले साउथ में जाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप साउथ में, देन भी वो तो बॉलीवुड को चांस मिलता है कि बॉलीवुड में काम करने, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है. मैंने पहले टॉलीवुड के बारे में सोचा नहीं था. जब से मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, तब से मैंने बॉलीवुड के बारे में ही सोचा, एंड माई ड्रीम इट केम ट्रू नाउ. साउथ में, बॉलीवुड में नो, देर इज नथिंग डिफरेंट. जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल है, वैसे वहाँ पे लोग प्रोफेशनल हैं, तो दोनों जगह मुझे सिमिलर लगा. कोई चॉइस नहीं है. सॉन्ग्स भी कोई एक लॉन्च होने वाला है मैम आपका, इसके बारे में थोड़ा बताइए. यस, मेरा भी एक सॉन्ग आ रहा है नेक्स्ट मंथ, वो रिलीज हो रहा है. टाइटल नेम इज मनमानी. तो आई गेस इट्स अ सेंसुअस आल्सो एंड इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स बोथ. तो इट्स गोना बी अमेजिंग एज पीपल दे एक्सेप्टेड मी एज एन एक्टर, एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी एक्सेप्टिंग मी एज एन सिंगर आल्सो. इस बारे में आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना अफेक्ट मच, बिकॉज जो मूवी की जो स्ट्रेटजी की हुई है, आई गेस वो उतना ही करेगी. मुझे लग नहीं रहा कि लीक होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जिसको थिएटर में जाना है वो थिएटर में ही जाएगा और वहाँ पे जाकर ही फिल्म देखेगा. तो नो क्लू अबाउट इट. बायर्स को ज़्यादा इससे नुकसान होगा ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये जोनर आई गेस इतनी कॉमेडी मूवी, दिस इज़ द फर्स्ट कॉमेडी फिल्म इन द सिनेमा. तो नहीं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब लोग जाएंगे एंड दे विल बी वॉचिंग इट. पहले वाली ग्रैंड मस्ती आपने देखी? आई हैव सीन दैट ग्रैंड मस्ती. यस, इससे आपको
कितनी अलग लगी, मतलब आप कितना चेंजेस लगाए हुए ग्रैंड मस्ती और ग्रैंड यस, जैसे पिछली बार देर वॉज थ्री वाइफ्स एंड थ्री गर्लफ्रेंड्स एंड नाउ दिस टाइम देर इज थ्री वाइफ्स अगेन एंड देर इज अ वन घोस्ट उर्वशी रावतेला एंड मी आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ साली छोटी सिस्टर इन लॉ ऑफ आफ्ताब एंड देर इज अ वन सोनाली राउत सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट नॉट गर्लफ्रेंड्स बट इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर नाउ दिस टाइम तो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा पिछली बार गर्लफ्रेंड्स थी इस टाइम इट्स अ डिफरेंट तो कुछ अलग तो नहीं है इट्स अ सेम आई गेस पहले से अब वाली ज़्यादा बेटर है मैम ये डबल मीनिंग मूवी डबल मीनिंग यस तो आप भी इसके पहले क्योंकि डबल मीनिंग मूवीज करना अक्सर लोग पसंद नहीं करते तो आप फैमिली में किससे बात किए थे नहीं मेरे फैमिली में किसी से बात नहीं किया था बिकॉज मेरी मम्मा मेरे साथ आई मीन मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हैं सभी मेरे साथ में और उनको मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस है वो बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे लेके तो जो मैं करूँगी उनके लिए वो सही है उनके माइंड में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं तो वे आर हैप्पी बिकॉज इट्स माई वर्क सो आई हैव टू प्ले द कैरेक्टर लाइक दैट इट्स अ डिफरेंट सो मुंबई में फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं लेकिन शायद नॉर्थ साइड में पीपल विल नॉट गो एंड वॉच विद फैमिली बट स्टिल इतना ज़्यादा तो नहीं है इसमें पीपल दे कैन वॉच इट विद फैमिली ऑल्सो हाँ नहीं 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 हर जगह करेगी बिजनेस बट मुंबई में बिकॉज इट्स मोर ग्लैमरस एंड पीपल दे डोंट माइंड वॉचिंग विद फैमिली बिकॉज दे ऑल आर ओपन माइंडेड सो दैट्स इट यस मेरी अभी एक मूवी आ रही है आई वोंट डिस्क्लोज द नेम एंड देयर इज अ वन सॉन्ग टू सॉन्ग्स ऑफ माइन इट्स रिलीजिंग सून सो यू विल गेट टू सी मी सून थैंक यू सो मच